तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि क्लास कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसका फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसको थीसिस लिखना रहता है, लेकिन इस हालत में वह थीसिस लिख नहीं सकता है। इसलिए वह लड़की बोलती है कि तुम्हारा थीसिस मैं लिख दूं, बताओ कौन से टॉपिक पे लिखना है। तो वो बोलता है गांधी। गांधी वो आदमी रहता है जो कि अपने परिवार के सारे लोगों को मार देता है और इसीलिए वह जेल में बंद रहता है। उसके बाद ये लड़की गांधी पे रिसर्च करने लगती है और ये सोच में चली जाती है कि कोई पैसे के लिए कैसे अपने सास ससुर अपने बीवी बच्चों को मार सकता है। तब ये लड़की अपने बाप जिसका बाप पुलिस रहता है उसको वह बोलती है कि मुझे उस आदमी पे थीसिस लिखना है तो मुझे उससे मिलने का परमिशन दे दो। तो उसका बाप थोड़ा सा नानुकुर करता है, कहे कि वो क्रिमिनल रहता है, लेकिन अंत में वो मान जाता है और उसको मिलने का परमिशन दे देता है। फिर वो जाते हैं गांधी से जेल में मिलने और बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वो बात नहीं करता। तब वह उसका मुंह खुलवाने के लिए वो चल जाती है उसकी बेटी के पास। तो वह उसकी बच्ची का अपने बाप के प्रति इतना प्यार देख के वह समझ जाती है कि इसके बाप ने तो किसी को नहीं मारा होगा, क्योंकि अगर कोई बाप अगर उसकी माँ को मारता है तो उसकी बच्ची तो उसे डरने लगेगी, नफरत करने लगेगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा रहता है। तो फिर वह उसकी बच्ची का वीडियो रिकॉर्ड करके जेल में वह फिर से उसे मिलने के लिए जाती है। तब वह अपने बच्ची का आवाज सुन के वो रोने लगता है, तो वह समझ जाती है कि इसने तो अपने परिवार को नहीं मारा होगा, क्योंकि वह साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट रहती है और वह सबका माइंड पढ़ सकती है। तो उसका यह दर्द देख के वह बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, तुम मुझे अपना स्टोरी बताओ। तो फिर वो बताता है कि कैसे वह एक अनाथ रहता है और उसको एक परिवार एडॉप्ट करता है और उसकी परवरिश करके वह उसे बड़ा करता है और फिर बड़ा होकर वह उन्हीं के ऑफिस में काम करता है। तभी उनके मोहल्ला में एक लड़की आती है जिसे वह प्यार करने लगता है और फिर वह उसे शादी कर लेता है और उन्हीं के घर में वह घर में बन के रहने लगता है। अब तक तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब वहाँ का होम मिनिस्टर अपने चुनाव प्रचार के लिए वह लंदन से 10,000 करोड़ मंगवाता है, लेकिन वह पैसा रखने और मैनेज करने के लिए वह अर्जुन के पापा को देता है। लेकिन इस बात का पता वहाँ के एक डेयरिंग पुलिस वाले जिसका नाम अर्जुन रहता है उसको पता चल जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि पैसा आखिर रखा कहाँ है। तब फिर वह पूछताछ के लिए उसे पकड़ लेता है। तब फिर वह पुलिस वाला बहुत पूछताछ करने की कोशिश करता है कि बताओ पैसा कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताता। तब होम मिनिस्टर गांधी को अपने घर बुलाता है और उसको ये बोलता है कि उसको बोलो कि मेरा 10,000 करोड़ हमको दे दे, नहीं तो उसके घर का सारा आदमी को खत्म कर देगा, यानी खुला धमका देता है उसको। इधर उस आदमी से मिलने का परमिशन किसी पास नहीं रहता, लेकिन गांधी एक ऑफिसर को बोल के वह कुछ समय के लिए मिलने के लिए उसको मना लेता है। इधर वो मिलने जाता है तो कुछ बात कर पाता इससे पहले वहाँ पे अर्जुन आ जाता है और वह बिना बात किए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में डेविड नाम का और एक गैंगस्टर रहता है, उसके आदमी गांधी को उठा के एक बिल्डिंग में ले जाते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे ही राजशेखर पैसा के बारे में बता दे तो सबसे पहले हमको बताना है, होम मिनिस्टर को नहीं, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा फैमिली को खत्म कर देंगे। और वो लोग और उसके गुंडे सारे गांधी के फ्रेंड बन के उसके घर में ही रहने लगे ताकि अगर थोड़ा सा भी होशियारी किया तो वहीं पे उसको खत्म कर देने। फिर अगला दिन गांधी फिर जाता है उससे बात करने के लिए, पूछने के लिए कि पैसा कहाँ है बता दीजिए, लेकिन वो नहीं बताता। तब वो उसको कुछ इशारा करता है जिससे वह समझ जाता है कि एक घर में वह पैसा रखा हुआ है। फिर यह बात वह सबसे पहले डेविड को बताता है, उसके बाद होम मिनिस्टर को बताता है। तब इधर डेविड एक नकली पैसा तैयार करता है और वह पैसा वह चलती गाड़ी से ट्रांसफर कर लेता है, यानी अपना नकली पैसा वह उस गाड़ी में ट्रांसफर कर देता है और जो असली पैसा रहता है वह अपने गाड़ी में ट्रांसफर कर लेता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट करवा देता है और उसमें वह सारा पैसा जल के राख हो जाता है। और होम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि मेरा असली पैसा पूरा जल गया है। तो इसी बीच अर्जुन गांधी का फोन ट्रैक करके उस जगह पे पहुंचता है तो वह देखता है कि सारा पैसा जल गया, लेकिन कुछ जले हुए टुकड़े को वह फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज देता है। इधर डेविड को तो सारा पैसा मिल चुका होता है तो वह गांधी और गांधी के पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी वहां से भाग जाता है अपने घर और ये गुंडे उसके घर पहुंचते हैं और उनके सारे परिवार को मार देते हैं और गांधी को अपने ही परिवार के मर्डर केस में फंसा देते हैं। तो यह कहानी वह लड़की पूजा जैसे ही सुनती है और वह सोचती है कि इसको तो जेल से निकाल के रहूंगी और वह किसी तरह उसका बेल ऑर्डर निकलवा लेती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तो वहां पे अर्जुन जाता है और इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वह पूजा को मोहरा बना के वह वहाँ से निकल जाता है और वहीं भी पता चलता है कि उसके जितने भी फैमिली मरे थे वो मरे नहीं थे, बल्कि गांधी ये कहानी बता के वह जेल से निकल सके। तभी पूजा शोक में पड़ जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो अर्जुन से बताता है कि यह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, तुम्हें यह जो स्टोरी बताया था वह उसी के जेल में रामकृष्णा की कहानी थी जो कि तुमको अपना बोल के बताया था। तो इधर पूजा के पापा उसको बहुत डांटने लगते हैं और ये पूजा के पापा एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं। तो फिर वहाँ पे अर्जुन आता है और उसको अपना सारा स्टोरी बताता है कि गांधी दुबई में रह के वह बहुत सारे लोगों को ठगता था,
यानी चोरी करता था, तब उसे पकड़ने के लिए स्पेशली अर्जुन को अपॉइंट किया जाता है और वो बताता है कि पैसा हमारे लिए जरूरत है लेकिन गांधी के लिए एक ऑक्सीजन के जैसा है। इसी से पता चलता है कि गांधी पैसों के लिए पागल रहता है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वहाँ वह दुबई में बहुत सारे लोगों को ठग ही रहे होते हैं, तभी उन्हीं में से एक आदमी का वो फोन चोरी करते हैं। उनसे ये पता चलता है कि 10,000 करोड़ इंडिया जाने वाला है और ये 10,000 करोड़ का इन्फॉर्मेशन सीएम के बेटे बलवंत सिंह को पता है। तब उसे पता चलता है कि बलवंत सिंह का एक कमजोरी है आदिति, बलवंत सिंह का आदिति क्रश रहता है। तो यह बात जैसे गांधी को पता चलता है तो आदिति को अपने गैंग में शामिल कर लेता है और आदिति को वह बलवंत सिंह के पास भेज देता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह 10,000 करोड़ कहाँ है। तब वो किसी तरह उसके फोन को हैक करके उसे सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि 10,000 करोड़ कहाँ है। तभी बलवंत सिंह को यह पता चल जाता है कि वह चीटिंग कर रही है और उसको वह मारने का कोशिश करता है, लेकिन गांधी आता है और उसे बचा ले जाता है और सीधे जाता है वह एक शिप में जहाँ पे 10,000 करोड़ रखा हुआ रहता है। तो वह वहाँ पहुँचने वाला होता है कि अर्जुन वहाँ जाता है और उसे पकड़ लेता है कि तभी बलवंत सिंह उसे गोली मार देता है और वह समुद्र में जा गिरता है और वह मर जाता है। फिर अर्जुन का हैदराबाद में ट्रांसफर होता है, लेकिन तभी गांधी वहाँ आ जाता है और तब हमें वहाँ यह पता चलता है कि वह मरा नहीं था और वह अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है और उसे 20 साल का सजा होता है। लेकिन तभी पूजा की एंट्री होती है और वह उसे छुड़ा लेती है। अगला दिन रामकृष्णा को जेल ले जाना रहता है, उसकी कोर्ट में पेशी रहती है। तभी अर्जुन एक रणनीति बनाता है, उसे डर रहता है कि रामकृष्णा को मारने का कोशिश किया जाए क्योंकि डेविड ने उसके परिवार को खत्म कर दिया था और यह बात वह कोर्ट में बोल सकता था। तब वह डेविड को पकड़ने का रणनीति बनाता है, लेकिन वह डेविड आता है, वह रामकृष्णा को मारने का कोशिश करता है लेकिन अर्जुन उसे नहीं पकड़ पाता और गांधी उसे पकड़ के अपने अड्डे पे ले जाता है और वह उसे मार पीट करके और उसे 10,000 करोड़ का पता पूछता है। तब वह उसे पता बताता है और वह उसके अड्डे पे लेके जाता है जहाँ पे 10,000 करोड़ रखा हुआ था। लेकिन वह गांधी को पता चल जाता है कि वहाँ जो पैसा 10,000 करोड़ रखा हुआ है वह नकली नोट है। तब यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि वहाँ तो नकली नोट चला था तो ये जो पैसा है ये नकली नोट कैसे है, यानी वहाँ असली नोट चला होगा लेकिन कैसे। तब गांधी डेविड को पूछता है कि यह चोरी तुम लोगों ने कैसे की। तब डेविड बताता है कि हमें पूरा चोरी करने का प्लान एक आदमी बताया था और ये आदमी कौन है किसी को नहीं पता। तब गांधी एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे डेविड और वो आदमी मिले थे ताकि वहाँ की सीसीटीवी वह निकाल सके और उससे ये पता चल सके कि वह आदमी कौन था। तब वहाँ जाने से पहले ही पुलिस वाले उस सीसीटीवी को लेके चले जाते हैं। अब इन लोगों के पास ये चुनौती आ जाता है कि वो सीसीटीवी आखिर हासिल करे तो कैसे करे। तब वहाँ का एक मेंबर पुलिस स्टेशन का एक सीसीटीवी को हैक करता है और बड़े ही स्मार्ट तरीके से गांधी उसका पता लगा लेता है। ये आदमी रहता है पूजा का बाप। गांधी को ये बात शक होता है, तब वो पूजा को कन्फर्मेशन के लिए अपने पापा का इंक्वायरी करने के लिए बोलता है, यानी थोड़ा छानबीन करने के लिए बोलता है और रामकृष्णा का वह बेटी को भी किडनैप कर लेता है ताकि अगर वो पैसा मिले तो वह उसे ही पैसा दे। तो वह अपने पापा का छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि सच में उसके पापा ने 10,000 करोड़ का चोरी किया और वह सारा पैसा एक बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया है जिसका एक्सेस वह पूजा अपने पास रख लेती है। फिर वह जाके गांधी को यह बात बताती है और वह बच्ची को छोड़ने की बात करती है, लेकिन तभी कुछ गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और गांधी पे हमला कर देते हैं, लेकिन वह उन गुंडों को धो देता है। लेकिन तभी वहाँ पे आदिति आती है और गांधी को गोली मार देती है, यानी वह अब बलवंत सिंह से हाथ मिला चुकी होती है। तब गांधी बोलता है कि ऐसा करो, तो वह बोलती है कि हमको तुम्हारा चैरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी हमें यहाँ पता चलता है कि वह सब चैरिटी के लिए ये काम कर रहा था। फिर गांधी को तो गोली लगा है तो वो लोग सभी उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तभी वहाँ कोई मरने वाला रहता है, तभी वो लोग पूजा को बताते हैं कि ये सब वो चैरिटी के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है ताकि उसके लिए अच्छा स्कूल बन सके, अच्छा हॉस्पिटल बन सके। और वो मरते मरते पूजा को बोलता है कि भले हम मर जाए लेकिन यह काम रुकना नहीं चाहिए। तो वह बोलती है कि मैंने वो बिटकॉइन पहले ही चैरिटी में दान कर दिया है, यानी भेज दिया है। तो वह लोग खुश हो जाते हैं। तब हमें यह पता चलता है कि वह लोग नाटक कर रहे थे, कहे कि पूजा इतना आसानी से तो वो पैसा देने वाली नहीं थी, इसीलिए वो लोग ये मरने का और चैरिटी का कहानी बनाया था। लेकिन पूजा तो और होशियार रहती है, वह अर्जुन को वहाँ पे लेके आ जाती है, यानी पहले बता चुकी होती है, और गांधी को वो लोग पकड़ के जेल ले जाते हैं। इधर बलवंत सिंह और कुछ आदमियों का मीटिंग चल रहा होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमको हमारा पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारे बाप की होम मिनिस्टर की सीट भी जाएगी, यानी यह पैसा बहुत सारे लोगों का था जो कि वो चुनाव में खर्च करने वाला था। तभी रामकृष्णा उन लोगों की यह बात सुन लेता और भागने लगता है, लेकिन बलवंत सिंह उसे पकड़ लेता है। तब पूजा उसे फोन करती है, बोलती है कि तुम रामकृष्णा को छोड़ दो, हमको पता है कि पैसा कहाँ है, और वो पैसा का लोकेशन बता देती है। फिर वो बलवंत सिंह को उस लोकेशन पर लेके जाती है जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि उसका बाप वो पैसा को कहीं दूर भेजने वाला रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे बलवंत के गुंडे आते हैं और पूजा के बाप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे गांधी आ जाता है और उन सबको मार देता है। वह जेल से छूट गया होता है पता नहीं कैसे, यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। और गांधी का पीछा करते करते अर्जुन भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों
में उसमें जबरदस्त फाइट होती है और गांधी अर्जुन को धोखे से हथकड़ी में वहाँ पे बांध देता है। तभी बलवंत सिंह के कुछ और गुंडे आते हैं और हमें यह पता चलता है कि वहाँ रामाकृष्णा को भी कैद करके रखा हुआ था और वह रामाकृष्णा को मारना चाहते थे, लेकिन गांधी को रामाकृष्णा की बेटी पे हमदर्दी हो जाता है और वह रामाकृष्णा को बचा लेता है। उसके बाद वह अर्जुन को भी वहाँ छोड़ देता है। यह दरियादिली देख के अर्जुन भी उसे छोड़ देता है, यानी पकड़ता नहीं है, जेल नहीं ले जाता है। और अर्जुन वह 10,000 करोड़ वो सरकार को दे देता है। उसके बाद हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि वह 10,000 करोड़ जो सरकार को दिया गया था वह नकली था और असली पैसा गांधी के पास है और मूवी यही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपका कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए